माई चैनल सीक्रेट सिस्टम। तो आज आपको मैं ये स्पीकर असेंबल करके दिखाने वाला हूँ। तो पहले मैं स्पीकर और ट्यूटर आपको चला करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि कमेंट से रिलेटेड आपके माइंड में कोई तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने इसे फिक्स कर लिया है और अब मैं बताता हूँ इसका कनेक्शन। तो ये जो कनेक्टर हमने लगाया है, इसमें रेड और ब्लैक वायर हमने लगाई हुई है, जो कि रेड और ब्लैक वायर रही ये वाली, जो कि इस होल से होके आई है। तो हमें जो रेड वाली वायर है वो बटन के बीच वाले में लगानी है। तो मैं बीच वाले में लगा करके आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देखिए, मैंने इसमें रेड वाला वायर बटन के बीच में लगा लिया है, और जो बटन्स के दो वायर थे उसमें से मेरा एक टूट गया। मैं इसे भी एक जल्दी से लगा लेता हूँ इसके बाद। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसके दोनों ये जो आपके ये जो तार होंगे बटन के अगल बगल वाले सिस्टम, उसे आपको एक स्पीकर पे लगाना है ये वाला वायर, एक पे ये वाला, दोनों पे एक एक पर लगा देना है। और ये जो कनेक्टर से होकर के एक वायर ये वाली है, इसे आपको स्पीकर के एक तरफ वाले इसमें और एक इसके एक वायर में, किसी भी एक वायर में आप लगा सकते हो, और किसी भी एक वायर में आप इसमें भी लगा सकते हो। और एक एक वायर में हमें ये वाला लगा लेना है। फिर इसके बाद जो बटन्स में दो हैं, दो वायर्स निकली हुई हैं, उसे हमें एक में एक तार हमें यहाँ पे लगाना होगा और एक इसके बचे हुए वायर में। तो फ्रेंड्स, आपको ही मैं ये करके दिखाता हूँ। स्पीकर को हम यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इसे आपको लगा करके फिक्स करके दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने इसे फिक्स कर लिया है नट से, और अब मैं बताता हूँ आपको कौन सा वायर कौन है। तो देखिए, बटन से जो एक वायर होके आया है ये, इसे आपको लगाना है यहाँ। आप इस पे भी लगा सकते हो और इस पे भी, इसी पे भी लगा सकते हो। We'll be right back.
अभी नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने स्पीकर के तार जोड़ दिए हैं, जैसे कि मैंने बताया था बटन की सबसे साइड वाला तार आप कहीं भी जोड़ सकते हो, और जो बचेगा स्पीकर में उसका तो कनेक्टर का ब्लैक वाला वायर जाएगा। ब्लैक वाला वायर मैंने आधा जोड़ कर इसका निकाल लिया, और इसका ये वाला जो छोर है अब इसमें सिर्फ दो वायर बचे हैं, ब्लैक और ब्लैक, एक बटन से आया हुआ और एक कनेक्टर से डायरेक्ट आता हुआ स्पीकर में जुड़ के बाद आता हुआ। तो आपको ये दोनों तार बस ट्यूटर फिट करके जोड़ देने हैं। तो फ्रेंड्स मैं ट्यूटर फिक्स करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें ट्यूटर कनेक्ट कर लिया है, तो अब जो इसके दो वायर निकलेंगे, आपको बस इसके ये जो दो वायर हैं बचे हुए दो वायरों में जोड़ लेने, तो मैं करके आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स हमारा ये बन के पूरा तैयार हो चुका है, तो बस अब मुझे इसके जो पार्ट हैं उसे लगा लेना है, तो मैं आपको इसके सारे पार्ट लगा करके दिखाता हूँ। सबसे इसके बेस होल पे मैं के बाद इसकी है छोटी में लगा देता हूँ, और इसके बाद बची इसकी रेडी हो गया। अब मुझे इसको ऊपर का जो पोर्शन है उसे बंद करना पड़ेगा, इसलिए मेरे पास ये ऊपर का ये बोर्ड है, तो मैं इसे बंद करके आप पूरा अच्छी तरीके से दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने इसे बनाकर रेडी कर लिया है, ऊपर का बोर्ड मैंने अच्छी तरीके से कील की हेल्प से ठोक दिया है, तो अब हमारा स्पीकर बनकर रेडी हो गया है। तो अब मैं इसे चलाकर दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने इसके वायर्स जोड़ लिए हैं, तो अब इसे ट्यूटर अकेले बजाने के लिए हमें इस साइड बटन करनी होगी, और हमारा ट्यूटर ऑन है। मैं अभी वॉल्यूम तेज करके सुनाने से पहले आपको बूफर की आवाज़ सुनूंगा। बीच में रहने से ये बंद हो जाता है, आप देखिए एकदम बराबर है।
आप अगर बूफर बजाना चाहते हैं तो आप इसे बूफर लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए और इसे शेयर करिए, और अगर आपको इस वीडियो से कोई जानकारी मिलती है तो आप इसे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।